हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की कचौरी। इसे आप व्रत में या फिर सुबह शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। साबूदाने की कचौरी बनाने के लिए हमने लिए है आधा कप साबूदाने। इन्हें हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, जो कि बहुत अच्छे से फूल गए हैं। इसे कर देते हैं साइड में। और हमने लिए है 2 उबले हुए आलू। इन्हें हमने छील लिया है और अब एक कद्दूकस की मदद से हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। हम कद्दूकस के मोटे वाले साइड से इन्हें कद्दूकस कर रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च ना डालें। और अब डालेंगे व्रत वाला नमक स्वाद अनुसार। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत वाला ही नमक डालें, और अगर आप नॉर्मल नाश्ते में बना रहे हैं तो कोई भी नमक डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमने लिया है 1 बाउल। इसमें साबूदाने निकाल लेते हैं। और आलू का मिक्सचर इसमें डाल देते हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल कर इकट्ठा कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से इकट्ठा कर लिया है और एकदम डो जैसे बना लिया है। और अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसका पोषण लेंगे। और अब इसे हाथों से ऐसे गोल गोल कर कर टिक्की का शेप देंगे। इस तरह से हमें इसे दबाते हुए गोल शेप दे देना है। और ऐसे ही हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। तो हमने सारी टिक्कियां बना ली है और अब इन टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर पैन रखा है और इसमें डाल दिया है ऑयल। और ऑयल को हमें मीडियम गरम कर लेना है। तो ऑयल गरम हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके टिक्की फ्राई कर लेते हैं, जितनी की ऑयल में आ जाए। इन टिक्कियों को हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए और इनका गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये एक साइड से हल्की सी फ्राई हो गई है, इन्हें पलट देते हैं। ऐसे हमें इन्हें उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो साबूदाने की कचौरी अच्छे से फ्राई हो गई है, इन्हें तेल में से निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ तो इन टिक्कियों को कचौरी बोला जाता है। आप क्या क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा।
इसी तरह से हमें दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो ये कचौरियाँ भी अच्छे से फ्राई हो गई है और बहुत ही अच्छी फूली फूली बनी है। इन्हें भी तेल में से निकाल लेते हैं। तो सारी साबूदाने की कचौरियाँ बन चुकी है। आप इन साबूदाने की कचौरियों को घर पर जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।